उत्तर प्रदेश के गांव साधारण जनजीवन में भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक दिखाते हैं और ये सुंदर झलक अब धीरे धीरे प्रभावित होती जा रही है, जिसका कारण सरकारी योजनाओं का गांव तक न पहुंच पाना भी है। हमारा चैनल एबीपीएस न्यूज लगातार गांव के मुद्दों और समस्याओं को उठा रहा है। ऐसा ही एक गाँव जटपुरा पहुँची एबीपीएस न्यूज टीम। मुरादाबाद के बिलारी तहसील की यह ग्राम पंचायत लगभग 7,000 आबादी वाली है। वर्तमान में इस गाँव में 2450 वोटर तो 510 राशन कार्ड धारक भी है। यहाँ 20 विधवा पेंशन लाभार्थी है तो 19 वृद्धों की वृद्धा पेंशन प्राप्त हो रही है। यहाँ की सरकारी प्राइमरी जूनियर पाठशाला में 327 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बदतर हालत में है, जहाँ कूड़ा करकट, गंदगी और खंडर के सिवा सिर्फ जानवर भने मिले। गाँव में अधिकतर सड़कें खड़ंजे से सीसी टाइल्स की बन चुकी है तो कुछ सड़कें अभी भी बाकी है, तो वही नालियों का निर्माण भी होना बाकी है। औसतन देखे तो प्रधान द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम निवासी कार्य की बेहतरी के बारे में बताते नजर आए तो स्वास्थ्य केंद्र की बदतर हालत को भी सामने रखा। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि 225 शौचालय और 44 आवास बनवाए गए हैं तो शमशान घाट की जरूरत को भी कैमरे पर गिनवाया। प्रधान जी और जी मेरे गांव के अंदर 225 शौचालय, 50-49 आवास और जी सड़क डलवाई जाटना और सही है। गांव के अंदर हमारा विकास बढ़िया है और बाकी मुझे थोड़ी और मांगे की जरूरत है, तो 100-125 रेट शौचालय की और जरूरत है आपको, अगर वो मिल जाएंगे तो मेरा गांव का पूरा विकास हो जाएगा। ये शौचालय वाला और जी बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक मेरे गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र खंडित पड़ा हुआ है, उसमें जो भी डॉक्टर्स वगैरह वगैरह बैठे हैं उनकी व्यवस्था करवाएं, और एक मुझे शमशान घाट की जो प्रजापतियों में जो उनका शमशान घाट अलग बना हुआ है मेरी बरादरी से, और उसका भी मेरे लिए ज़रूरत है थोड़ी, क्योंकि दिक्कत आती है बरसात वरसात के मौसम में, तो इस चीज़ की मुझे आवश्यकता है। तो अगर ये मेरा काम पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भाई प्रधान जी हैं, बिल्कुल काम बिल्कुल बढ़िया करते हैं, वो पैसा आते हैं ऐसे ऐसे खंजे पर लगाते हैं तो भाई लाइटिंग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, काम बढ़िया करते हैं, कोई शिकायत नहीं है इसमें।